नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के वीर सैनिक अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह के बारे में। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का जन्म 1 फरवरी 1978 को झारखंड के रांची के नाम कुम में हुआ था। सेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन जनमीत सिंह ठाकुर और पुष्पलता के बेटे लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह मूल रूप से पंजाब के पठानकोट के रहने वाले थे। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पठानकोट से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और स्नातक की पढ़ाई के लिए लुधियाना चले गए। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह मार्शल आर्ट में कुशल थे और उन्होंने अपने छात्र दिनों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें भारतीय नौसेना अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पुणे के खड़कवासला में नौसेना अकादमी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। फिर भी उन्होंने अकादमी में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें कृषि में डिग्री हासिल करने और पंजाब में अपने खेत के साथ उनकी सहायता करने के लिए कहा था। पर वह फिर भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा CDSI में भाग लिया और इसे पास किया। वह देहरादून उत्तराखंड में भारतीय सैन्य अकादमी IMA में शामिल हो गए, जहां वह एक गहन 18 महीने के सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में चले गए। 08 दिसंबर 2001 को लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 5J के LI बटालियन में कमीशन किया गया था, जो एक कुलीन रेजिमेंट है जो अपनी वीरता और विभिन्न युद्ध सम्मानों के लिए जानी जाती है। यूनिट में शामिल होने के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को कॉलेज ऑफ कॉम्बैट में कमांडो कोर्स के लिए भेजा गया और उन्होंने कोर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2003 के दौरान उनकी यूनिट को जम्मू क्षेत्र में तैनात किया गया था, जहां लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने UNI के एडजुटेंट के रूप में कार्यभार संभाला था। 02 जनवरी 2004 की शाम लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की यूनिट को जम्मू रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले की सूचना मिली। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई की तैयारी करें। स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को समझते हुए लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने कमांडो की त्वरित प्रतिक्रिया टीम के नेता के रूप में खुद रेलवे स्टेशन जाने की अनुमति मांगी। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को एहसास हुआ कि आतंकवादी पहले ही हमला कर 7 नागरिकों को मार चुके हैं। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह तुरंत हरकत में आए और अपने जवानों को स्टेशन की घेराबंदी करने का आदेश दिया। एक त्वरित कार्रवाई में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने पहले आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे का पीछा किया, जो ओवरहेड रेल पुल से गोलीबारी कर रहा था। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जानते थे कि आतंकवादी घातक हथियारों से लैस था और पार्सल रूम में मौजूद 300 से अधिक यात्रियों को मार सकता था। एक साहसिक कार्रवाई में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह दूसरे आतंकवादी को भी मारने में सफल रहे, जिससे निर्दोष नागरिकों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा टल गया। हालांकि गोलीबारी के दौरान लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और शहीद हो गए। मरने से पहले लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने अपने जोसी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को सलाम किया। उनके अंतिम शब्द थे, मिशन पूरा हुआ सर। उनकी असाधारण वीरता, अदम्य लड़ाई की भावना और सर्वोच्च बलिदान के निस्वार्थ कार्य के लिए लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को देश का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया था। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 2004 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह के पिता कैप्टन जनमीत सिंह सेवानिवृत्त को पुरस्कार प्रदान किया।